समझो। इधर देख, इधर देख, हम लोग कहाँ किधर देख रहे हैं? ये मेला भी तो चालू नहीं हुआ है ना दोस्तों। 3 साल बाद वेद व्यास में जो शिवरात्रि के अवसर पे मेला लगता है वहाँ हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, और बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये नियरेस्ट मेरा घर से जो है, ऐसे अगर पैदल रास्ता थोड़ा नज़दीकी पड़ेगा 1 से 2 किलोमीटर, लेकिन अगर बाय रोड जाएंगे थोड़ा सा घुमा के जाएंगे। तो यहाँ पे कौन कौन जा रहा है, मैं हूँ, त्र्यंबक है, रिवाइफ, और उनके बाद आरब और उसकी मम्मी, फिर रीता और पिंटू। बाय कार हम लोग जा रहे हैं, और आप लोग अगर आते हैं, अभी ये 5 मार्च तक ये मेला जो है चलेगा, ज़रूर आइए राउरकेला, और राउरकेला आते हैं तो यहाँ ज़रूर घूमिए। बहुत ही शानदार, जो बहुत कुछ जो है यहाँ पे मिलने वाला आपको। आप देख रहे हैं यहाँ पे झूला सब भी लगा हुआ है, और बहुत सारा चीज़ जो यहाँ पे बनाया गया है, और बहुत सिस्टमेटिकली ढंग से प्रशासन के नज़र में जो है ये चीज़ किया गया है। कोई भी तरह का सारी चीज़ जो है यहाँ पे ध्यान रखा गया, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रोटेक्शन से लेकर के सब कुछ, कार पार्किंग कहाँ रखना है, बाइक पार्किंग कहाँ होना चाहिए, सब कुछ को ध्यान में लेकर के चला गया, आप देख रहे हैं। और ये आपका जो है वेद व्यास से मंदिर जाने के रास्ता में ये आपका, आप किसी को बोलेगा हमको वेद व्यास मंदिर जाना है तो आपको वहाँ पर ले कर चलेगा। और ये आपका मेन द्वार, सबसे पहले हम लोग का मेन मकसद है मंदिर जाने का जो है जल चढ़ाना। जल चढ़ाने के बाद जो है फिर उसके बाद हम लोग ये मेला घूमेंगे। तो जल चढ़ाने के लिए आप जब जाएंगे वहाँ पे, तो आप अपना जो है जितने भी एंट्री करेंगे वहाँ पे, बहुत जगह मंदिर जाने से पहले अपना जूता चप्पल जो भी है वहाँ पे आप रख सकते हैं, और ऐसे तो बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए भाई किसी के अंदर रखिए भाई, कहीं मिसिंग ना हो जाए। और फिर उसके बाद जो है अपना प्रसाद जो भी चढ़ाना है वहाँ से खरीद लीजिए। फिर उसके बाद है तो आपको मंदिर जहाँ पर जल चढ़ाएंगे सामने दिखेगा, लेकिन उस होकर के जाने के लिए नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा दूर जा कर के जो है आपको मिलेगा, अलग हट करके आप, जैसा कि यहाँ पे, तो वो रास्ता जो है भाई भयंकर ख़राब रास्ता है। अगर रास्ता आप देखेंगे आप बोलेंगे भाई कैसा रास्ता बनाया है मंदिर जाने का रास्ता, और ये जो है पत्थर को काट काट के जो है बनाया, उबर खाबर, इसको पे चलना थोड़ा सा जो है ना खुले पाँव बड़ी आपको जो इरिटेशन लगेगा। लेकिन लोगों का मानना है कि भगवान से मिलना इतना आसान नहीं है, थोड़ा कष्ट सह करके जाइए भाई। और बहुत ही जो है, पहले अगर बात करें, पहले वेद व्यास का लोकेशन, मंदिर का लोकेशन उतना कोई ख़ास नहीं था, अभी जो है पार्क सब बना दिया गया है बहुत अच्छी तरीके से जो है, उसको जो है देखने को आपको मिलेगा यहाँ पे सीनरियो यहाँ पे, और आपको आने में जो बहुत मज़ा आएगा, आप यहाँ पे जो है फ़ोटो सब भी क्लिक कर सकते हैं। और फाइनली जो है आप यहाँ पे देखिए, और फिर हम बताएंगे, आप मंदिर पहुँचेंगे तो आपको यहाँ पे जो है अपना पूजा पाठ की, मंदिर का अंदर का तो वीडियो नहीं ले सकते हैं, माफ़ कीजिएगा। और फिर उसके बाद अब मेला में चलेंगे फिर हम, हाँ उससे पहले हम लोग जो है अब रिटर्न आ जाएंगे, रिटर्न आ रहे हैं, देख रहे हैं जैसा कि रिटर्न पहुंचना तुरंत ईजी, जाना जो है देखिए वहीं पर जहाँ पर आपको देखिए कुछ सब सामान सब मिल रहा है वहीं पर आप देख रहे हैं, मतलब घूम के इतना आना पड़ा, और जो रिटर्न आना जो है वहाँ से तुरंत जो पहुँच गए जिस लोकेशन पर हम लोग जो है जूता चप्पल खोले थे। फिर आगे बात करें, अब मेला के थोड़ा दर्शन कर लीजिए, यहाँ पे बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। त्र्यंबक तो बस देखता रहा क्या क्या नया नया चीज़ देख रहा है, लोग देखो इतना लोग कहाँ से आ गया। और आरब जो साथ में गया था वो तो बहुत मस्ती किया, गाड़ी में भी एक गोल गोल घूमने वाला गाड़ी में, एक जो उछल कूद करने वाला उसमें भी जो बहुत उछल कूद किया है। तो ये है, बच्चों के साथ अगर आप जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं
तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। नहीं तो अकेले जाएंगे, चुपचाप जाएंगे, बस लोग को देखेंगे और वहाँ जो कुछ सीनरी देखेंगे बस चुपचाप आ जाएंगे। बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने में बहुत मज़ा आएगा आपको। तो इतना ही रहा आपका। तो फिर फाइनली जो है इवनिंग टाइम में हम लोग जो है रिटर्न आ जा रहे हैं घर की तरफ। शाम हो चुका है और फिर सब कोई देखिए झोला झोला भर के जो है सामान ले आ गया है भाई, एक दो सामान नहीं बहुत झोला। तो परिवार के साथ जाते हैं तो बहुत सामान लेके मेला अगर जाते हैं तो आपको बहुत सामान जो है जो परिवार के मेंबर लोग हैं लेके आएंगे, और ख़ास करके लेडीज़ की अगर हम बात करें तो। अकेले जाएंगे चुपचाप जाइए, चुपचाप आ जाइए, अगर परिवार और पत्नी को लेके जाएंगे तो भाई समझिए कि बहुत सामान आने वाला है। ठीक है, इतना ही था, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय सभी को।